सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले समझते हैं बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस क्या है। जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस कुछ भी हो सकता है। हम कोई पुराना काम, हम किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नोटबुक्स है, पहले से मार्केट में हमने भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, दिस इज कॉल्ड द बिजनेस। बट इफ वी केम विद अ न्यू इनोवेटिव अप्रोच विद अ न्यू आइडिया, देन इट्स कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपको बिजनेस क्यों करना है, एंटरप्रेन्योर क्यों बनना है, इंस्टाग्राम की पोस्ट देखकर बनना है तो ये आपके लिए नहीं है। आपने देखा कि देयर आर लॉट ऑफ फोटोज विद अ ब्लैक सूट पर्सन विद ऑडीज एंड पोर्श, महंगी महंगी गाड़ियां हैं, महंगे महंगे फोन्स हैं और काफी शो ऑफ हो रहा है। अगर आप वो देख के बिजनेस करना चाहते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए है ही नहीं, आप छोड़ दीजिए। और अगर आप बिजनेस से एक महीने में, एक साल में, दो साल में, पांच साल में करोड़पति बनने की सोच रहे हैं तो भी आप भूल जाइए। अगर आपको बिजनेस करना है सो यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द स्क्रैच, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना होगा और आपको पेशेंस रखना होगा, तभी आप बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। बिजनेस आप क्यों करना चाहते हैं ये आपको पहले थॉट अपने माइंड में अच्छे से क्लियर करना होगा कि भाई हमारे बिजनेस करने से हमारा एम क्या है। हमें पहले एम क्रिएट करना है और देन बिजनेस करना है। हम बिजनेस करने से पहले हम प्लान करते हैं, हम सोचते हैं, जैसे हम हमेशा कॉलेज में होता है ना, क्लास में हम बैठते हैं कि हम लोग स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, चार दोस्त बैठते हैं कि हम ये पर्टिकुलर चीज करेंगे और इसके लिए हम पैसे कलेक्ट करेंगे। और हमने कर भी लिए पैसे कलेक्ट, एक एक लाख या दो दो लाख रुपए हमने पर फ्रेंड चार लोगों ने मिलकर 4 से 8 लाख के बीच में कोई भी एक अमाउंट कलेक्ट कर लिया, तो हम उसको अपने बिजनेस में नहीं लगाते हैं। हम लगाते हैं अपने ऑफिस में कि हमारा ऑफिस ऐसा होगा, हमारा केबिन यहाँ होगा, तुम्हारा केबिन यहाँ होगा, हमारी चेयर यहाँ पड़ेगी, तुम्हारी चेयर यहाँ पड़ेगी, हमारी वेबसाइट ऐसी होगी। और उसमें जाकर जब हमारा पैसा खत्म हो जाता है तब हम शांत बैठ जाते हैं कि यार बिजनेस तो चल ही नहीं रहा है, पैसा भी चला गया। 90% स्टार्टअप्स एक साल में बंद हो जाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स, बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं जो सही डायरेक्शंस में नहीं गए और फाइनली आकर बंद हो गए। मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूंगा, पहले तो मैं आपको बता दूं मेरा भी एक छोटा सा बिजनेस है, मैं अपने बारे में बता दूं, सॉरी मैंने बताया नहीं। मेरा नाम अमन कुमार सिंह है, सभी को पता होगा, दिख भी रहा होगा जूम मीटिंग में। मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, मेरा एक स्टार्टअप है, एक फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी है मेरी। 2017 में स्टार्ट किया, आफ्टर द कॉलेज 16 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ। मैंने जॉब नहीं ढूंढी क्योंकि जॉब फोरेंसिक्स में उतनी ज़्यादा थी नहीं उस टाइम, प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा ये इसको बूम कर रहा है, बट उस टाइम उतनी नहीं थी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने एक छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट करने की सोची, हम चार दोस्तों ने स्टार्ट किया। फाइनली हमने स्ट्रगल करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा, आज मेरे साथ मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, जिन चार ने स्टार्ट किया था मैं अकेला, और अकेले फाइनली मैं इस सिस्टम को रन कर रहा हूँ। मेरे साथ, हाँ मेरे पास 2-4 एम्प्लॉयज़ हैं जो मेरे लिए काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं अभी कुछ दो लोग। तो ये मेरा मॉडल था। अब मैंने जो गलतियां की हैं वो गलतियां आप ना करें, इस बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। किसी भी बिजनेस का जो एक स्टार्टिंग अप्रोच होती है ना, वो होती है एक यूनिक आइडिया से। यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट फील्ड के लोग हैं, मैं देख सकता हूँ अराउंड 100 लोग हैं यहाँ पर, काफ़ी डिफरेंट फील्ड्स के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि बिजनेस आपने किसी को देख के किया कि वही करना है, कोई कर रहा है जरूरी नहीं है वो बिजनेस आपका भी चल ही जाए। आपने देखा कि नहीं यार वो इंसान एक कोई भी चीज मैन्युफैक्चर कर रहा है और जरूरी नहीं कि वो चीज आप भी करो और बिल्कुल आप भी मिलियनेयर बन जाओ। मैं कोई मिलियनेयर नहीं बना ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट यस आई एम बेटर देन गुड। मेरे पास मेरा टाइम है, मेरे बिजनेस की वजह से मैं आपको यहाँ पर बैठ के 1 घंटा टाइम दे रहा हूँ, वरना ये 10 से 5 का ऑफिस का आवर्स होता है। मैं कहीं पर भी जॉब कर रहा होता तो इस टाइम मैं आपको टाइम नहीं दे पाता, 9:30 मुझे ऑफिस पहुँचना होता और 5:30 ही मैं रिलीज हो पाता वहाँ से। मेरे पास मेरा टाइम है, आई हैव टू सिलेक्ट माई पर्सन एंड इवन आई हैव टू सिलेक्ट माई वर्क। मुझे क्या काम करना है क्या नहीं करना है वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, आई एम माई ओन बॉस। बट इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं पूरा दिन छुट्टी लेके बैठा रहता हूँ, नहीं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू बी पेशेंस। आपको चीज़ों को बहुत मैनेज करना होता है और स्ट्रगल करना होता है, और स्ट्रगल का डायरेक्शन हमेशा सही होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको बताऊं, आप ऐसे समझिए जैसे आपने एक यूनिक आइडिया लेके आते हैं, कोई भी एक आइडिया आपके दिमाग में आया कि मुझे ये बिजनेस करना है, तो सबसे पहले हम प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि भाई हमारे बिजनेस का नाम ये होगा, हमारा ऑफिस ऐसा होगा, सब कुछ ऐसा होगा। हम जिस डायरेक्शन में हमें इन्वेस्ट करना है हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। मेरा एक कॉन्सेप्ट रहता है, मैं इन्वेस्ट लेस करता हूँ, मैं शो ऑफ नहीं करता। मुझे कोई बहुत दिखाना नहीं है कि मेरे पास इतना बड़ा ऑफिस है या मैं इस पॉश एरिया में मेरा ऑफिस है, कोई मुझे शो ऑफ नहीं करना। मैं आज भी बाइक से आता हूँ, कार से मैं ऑफिस नहीं जाता हूँ, मुझे शो ऑफ नहीं करना।
बिकॉज अगर मैं उस इन्वेस्ट के जो पैसा मैं यहां वहां वेस्ट कर रहा हूं अपने बिजनेस में लगाऊंगा तो आई नो कि आई कैन मेक मोर मनी. मनी इज अ मैग्नेट फॉर द मनी. पैसे पैसे से पैसा बनता है और पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है. हाँ, ये हो सकता है कि आप छोटे अमाउंट में छोटा सा करें. ये नहीं होगा कि आप कहीं से भी 10 लाख रुपए आप अरेंज करें और उसको बिजनेस लगा दो, अगर डूब जाए तो आपके पास जीरो होगा. लेकिन अगर आप 10 से 50 हजार डूबता है तो आई डोंट थिंक कि आपका कोई बहुत बड़ा लॉस होगा. तो हमेशा बेसिक से स्टार्ट करें. आपको कभी भी ये नहीं करना है कि लाइक बिल्कुल पहले हमने पैसा अरेंज किया और फिर देन पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया आपने दिखावे में, सब कुछ अच्छा किया और पब्लिसिटी में इन्वेस्ट कर दिया और देन फाइनली पहुंचे देखा तो कुछ भी नहीं रिजल्ट आया. ये बहुत बड़ा इशू होता है. ठीक है, आपको हमेशा छोटे से स्टार्ट करने की कोशिश करनी. अगर आपके पास बहुत पैसा है यू टेक द रिस्क. डेफिनेटली बिजनेस इज अ रिस्क, बट रिस्क ऐसा भी तो नहीं है ना कि बिल्कुल रिस्क लेके पता ही है कि वो पैसा डूब जाएगा फिर भी हम रिस्क ले रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए. और अगर कैलकुलेटेड रिस्क है तो रिस्क नहीं होता है. 50% चांसेस आपके लॉस के वहीं खत्म हो जाते हैं अगर आपने चीजों को कैलकुलेट किया हुआ है. भाई रिस्क ऐसा तो नहीं है ना कि भाई हमने 10 लाख रुपए लिया और हमने सोचा कि नहीं हम जुए में लगा देते हैं और 10 लाख हार जाएंगे या जीत जाएंगे. देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक 1%. तो उस रिस्क में हमें नहीं जाना है. हमें हमेशा रिस्क को कैलकुलेट करना है कि भाई हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और हमने उसमें से 5 लाख रुपए का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया तो क्या हम उसमें से 5 लाख मिनिमम रिकवर कर पाएंगे. अगर आपने ये कैलकुलेट कर लिया तो समझ लीजिए आपका बिजनेस सक्सेसफुल है. यस तुषार, देयर इज अ हैंड रेज, यू वांट टू से समथिंग, यू कैन से ऑन द चैट ऑल्सो. बिजनेस कभी भी अकेले नहीं होता है, ये बात हमेशा दिमाग में बिठा लीजिए. कभी भी अकेले नहीं. आप कितना भी बड़ा स्टार्टअप देख लीजिए, कोई भी बड़े से बड़ा बिजनेस देख लीजिए, चाहे वो फिर फेसबुक हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, आपको पता चलेगा फ्रंट में एक पर्सन जरूर हो सकता है लेकिन बैक में उसके कोई ना कोई सपोर्टिव पर्सन होता है. क्योंकि इफ देयर इज लॉट ऑफ माइंड देयर इज लॉट ऑफ आइडियाज. उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना आपके ऊपर है. बिजनेस करने से पहले आपको अपनी कैलिबर पता लगानी है कि हमारी कैलिबर क्या है, आप क्या अच्छा कर सकते हो. एक इंसान हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता. ठीक है, तो आपको आप पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो और जो आपके जो साथ में लोग हैं उनके पास जो डिफरेंट उनके कैलिबर्स हैं वो क्या कर सकते हैं. तो आपको उन कैलिबर्स को निकालना है और उन कैलिबर्स का यूज करके अपने बिजनेस में इम्प्लांट करना है कि आप उनको कैसे यूज आउट कर सकते हो और कैसे उससे आप एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हो. बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आइडियाज. देखिए, आपने काफी ज्यादा एग्जांपल्स देखे होंगे. देयर लॉट ऑफ लाइक बिजनेसेस. आपके हर कोई डिफरेंट सिटीज से होगा तो आपके शहर में एक चाय की दुकान होगी जो बहुत ज्यादा चलती होगी. एंड ही डेफिनेटली अर्न मोर देन अ बैंकर. कोई ना कोई ऐसा शॉप होगी चाय की होगी या ऐसी कुछ होगा, कुछ समथिंग लाइक स्नैक्स वगैरह कुछ होगा जिसकी इनकम होगी किसी बैंकर से ज्यादा होगी. लेकिन उसकी शॉप वहीं पर है, वो ग्रो नहीं कर रहा है बिकॉज वो कोई नया आइडिया नहीं लेके आ रहा है. वहां रुका हुआ है कि हाँ हमारा अर्निंग है कि 1 लाख पर मंथ है प्रॉफिट में, सो ठीक है, ही इज हैप्पी विद दैट, ही इज नॉट इनोवेटिंग. तो वो सारी जिंदगी वहीं पर रहेगा. वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करेगा तो उसका लाइक इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली 5 साल बाद हो सकता है वो 1.5 लाख पर मंथ कमाने लगे, बट वो ग्रो नहीं कर रहा है. अगर आपको लगता है कि आपकी सैलरी 5 साल बाद 1.5 लाख है, आज 1 लाख है, तो आप ग्रो नहीं किए बिकॉज मार्केट इन्फ्लेशन उससे ज्यादा बढ़ चुका है, महंगाई उससे ज्यादा बढ़ चुकी है. बट अगर वो कुछ नया आइडिया लेके आता है देन वो आगे बढ़ जाएगा. सिंपल सा एक इनोवेटिव अप्रोच लेके आनी है आपको हर चीज में. बिजनेस कुछ भी हो सकता है. कुछ लोगों का फैमिली बिजनेस होता है, बहुत अच्छा चला आ रहा है फैमिली उनका, देयर अर्निंग वेल, सब कुछ अच्छा है. बट आप भी उसको अगर एक्वायर करते हैं तो जब तक आप उसको कुछ नया उसमें आइडिया इम्प्लांट नहीं करेंगे तब तक वो जाके वहीं पर चलता रहेगा. आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपके सामने छोटे छोटे प्रोडक्ट, हल्दीराम का नाम सभी ने सुना होगा. किसी ऐसा कोई पर्सन नहीं जिसने हल्दीराम का नाम ना सुना हो. एक छोटी सी कंपनी थी जो स्टोर चलाते थे अपना. देन आइडिया उन्होंने इनोवेटिव लाया कि हम पैकेजिंग स्टार्ट करेंगे अपने स्नैक्स की. देन उन्होंने पैकेजिंग स्टार्ट करी. देन फाइनली उन्होंने देखा कि यार स्नैक्स तो ठीक है, हम स्वीट्स को भी पैक करना स्टार्ट करते हैं स्वीट्स को. देन उन्होंने रेस्टोरेंट चेन स्टार्ट कर दी हल्दीराम की. तब जाके लाइक $1 बिलियन की वेंचर बन गई फाइनली. तो जब तक आप इनोवेशन लेकर नहीं आएंगे अपने आइडिया का तब तक कोई भी बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा. एक देखिए, कोई भी बिजनेस और स्टार्टअप जब स्टार्ट करते हैं तो हमेशा एक सैचुरेशन पॉइंट आता है. किसी भी चीज का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है. जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे दिमाग में भी एक सैचुरेशन पॉइंट क्रिएट होता है. ये एक समय के बाद हमें कुछ भी दिमाग में जाना बंद हो जाता है
तब हम फिर भी जबरदस्ती पढ़ते रहेंगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। उस सैचुरेशन पॉइंट से अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें नए आइडियाज लेकर आने पड़ेंगे। दिस इज वन बेस्ट थिंग कि आप क्या कर सकते हैं, अपने आप दोस्तों से आइडियाज ले सकते हैं। जरूरी नहीं जो आइडिया दे हर कोई हर आइडिया को अप्लाई कर दो, पहले उस आइडिया को कैलकुलेट तो करो, क्या ये आइडिया सही है उसको कैलकुलेट करो, देन उसको अप्लाई करो। ओके, सो टिल नाउ एनीबडी वांट टू आस्क समथिंग यू कैन पुट ऑन योर क्वेश्चन, आई विल टेक योर क्वेश्चंस आल्सो इन बिटवीन। अब लोग बोलते हैं सर बिजनेस कैसे करें, कोई ब्लूप्रिंट बता दीजिए। देखिए किसी भी बिजनेस का ब्लूप्रिंट नहीं होता, पहली चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी बिजनेस का ब्लूप्रिंट नहीं होता है। ब्लूप्रिंट का मतलब ये है कि उसको किसी ना किसी ने बनाया है। अगर मैं अपना बिजनेस आइडिया आपको दूंगा तो आपको लगेगा कि यार ये कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है वो ना सक्सेस हो पाए। तो हमेशा आइडिया आपका होना चाहिए। मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ, मैंने देखिए क्या होता है ना, लोग कहते हैं स्ट्रगल करो, बिजनेस में स्ट्रगल करना होता है। मैंने स्टार्ट किया बिजनेस, लोग मुझसे मिले बोले ऐसे इतनी जल्दी नहीं होता है, एक साल हो गया, दो साल हो गया, स्ट्रगल आपको बहुत करना पड़ेगा। मैं सोचता था सही बात है, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ और स्ट्रगल करता रहूँ। अब आप समझिए, मैंने आपको कील दी, मैंने कहा जाओ सामने ठोक दो उसको, सामने मेटल शीट लगी हुई है, आप उसको ठोकते रहेंगे, लोग आके आपसे बोलते रहेंगे अरे स्ट्रगल करते रहो, फाइनली कभी ना कभी हो जाएगा। लेकिन लोहे की दीवार में तो आप नहीं ठोक पाएंगे ना कील, आपको उससे हटना पड़ेगा। मेरे साथ वही था, मैं गलत डायरेक्शन में स्ट्रगल कर रहा था। तो हमेशा गलत डायरेक्शन में स्ट्रगल नहीं करना है आपको। मैं बोलूंगा भाई बगल में मिट्टी की दीवार है या सीमेंट की दीवार है, ठोक दीजिए कील, ठोक जाएगी। वही कॉन्सेप्ट है, डायरेक्शन जो आपका एफर्ट है अगर वो गलत डायरेक्शन में है तो भी वो गलत है, जो स्ट्रगल है अगर वो गलत डायरेक्शन में तो भी वो गलत है। बिजनेस जो होता है ना, मैंने बहुत जीरो से स्टार्ट किया। लाइक मैं क्या करता था आपको बताऊं, जब मैंने स्टार्टअप किया तो मेरा बेसिकली वर्क आता है कोर्ट से। कोर्ट में जो एडवोकेट होते हैं, फॉर्ज्ड फिंगरप्रिंट है, सिग्नेचर है, इन सब के केसेस मेरे पास लेके आते हैं, मैं उनको रिपोर्ट बनाकर देता हूं, उसको एनालाइज करके। तो अब भाई स्टार्टअप में तो पैसा था नहीं मेरे पास, तो मैं सुबह कोर्ट जाता था, तो मैं अपने फादर से पैसे लेता था। फादर मुझे ऑफिस जाने से पहले 100 रुपीज मेरे टेबल पे लैपटॉप के पास रख जाया करते थे अक्सर। हम सुबह उठे, नहाए धोए, रेडी हुए, 10 बजे हम कोर्ट पहुंच गए। बाइक थी, बाइक में 50 रुपए का पेट्रोल डलवाया हमने और हम कोर्ट पहुंच गए। मेरे पास मेरे प्रिंटर था मेरे पास, तो मैंने उसी से अपने फ्लायर्स प्रिंट कर रखे थे और विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट कर रखे थे। रोज 100-100 फ्लायर और 100 विजिटिंग कार्ड लेकर हम जाते थे और पूरा दिन कोर्ट में हर एडवोकेट के चेंबर गए, उनका अपना विजिटिंग कार्ड दिया, अपना फ्लायर दिया, उनको समझाया कि सर हम ये करते हैं, हम आपको ऐसी सर्विसेज देंगे, हम ये करेंगे। कई लोग सुनते थे, कई लोग मजाक करने लगते, उनको लगता था कि हाँ एक 20-22 साल का लड़का हमें क्या सिखा दे पाएगा। काफी डेफिनेटली देयर लॉट ऑफ एडवोकेट विद एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10+ years, उनको लगता था कि ये 20-22 साल का लड़का हमें क्या, मतलब बच्चों की तरह ट्रीट करते थे, आए थे बिठाते थे बातचीत करते थे। शाम के 3-4 बजे तक हम हो जाते थे, 50 रुपए हम बचा के रखता था कि चलो कुछ बाहर खा लेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली 12-12:30 बजे शाम में 2-3 बजे तक लंच का टाइम हो जाता था, भूख तो लगी आती थी। कई बार ऐसा होता था ज्यादा घूम लिए तो 100 रुपए का पेट्रोल डलवा लिए, तो हम उम्मीद करते थे कि कोई एडवोकेट हमें एक चाय पिला दे तो लंच का टेंशन खत्म हो जाए, या 2 समोसे खिला दे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है घर से वो था अराउंड 7-8 किलोमीटर, फिर घर आना फिर वापस जाना, तो वो टाइम वेस्ट हो रहा था। टाइम था नहीं हमारे पास क्योंकि हमें हर एडवोकेट से मिलना है। ये जो सिचुएशन है एक साल चली, झांसी डिस्ट्रिक्ट का हूँ मैं, यूपी में झांसी एक जगह है, वहां से हूँ मैं। मैंने झांसी कोर्ट का पूरा चक्कर लगाया, हर एडवोकेट से मैं 2-3 बार मिला हूँ, उनके पास बैठा था। फाइनली आज ये कि हाँ मोर देन 50 एडवोकेट्स मुझे जानते हैं जो मुझे अपना काम देते रहते हैं, और मोर देन 100 रिपोर्ट्स मेरी डिफरेंट कोर्ट्स में लगी हुई हैं। हाई कोर्ट में लगी हुई है मेरी रिपोर्ट, पटना हाई कोर्ट, सॉरी बिहार हाई कोर्ट जिसे बोलेंगे पटना में है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लगी हुई है, एक रिपोर्ट मेरी सुप्रीम कोर्ट तक गई हुई है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो यूपी के लगभग ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट में मेरी रिपोर्ट लगी हुई है। उसके बाद मैं ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करता हूँ, ट्रेनिंग मैंने इंडिया, अफ्रीका, घाना, ऑस्ट्रेलिया, रिसेंटली हम यूके के सेशंस ले रहे हैं, इससे पहले हमने इटली के भी सेशंस लिए हैं, तो इंटरनेशनली हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं वर्चुअली। तो जब तक मैंने आपको बताया था कि भाई हम जाते थे, जब तक हम उनको बताते थे कि हम ये कर सकते, तो बोलते थे कई बार कि अरे ये लोग भी ऐसे ही सेम कर रहे हैं, तो मैं परेशान हो जाता था। वहां पर कुछ लोग थे कोर्ट में जो फिंगरप्रिंट हैंडराइटिंग एक्सपर्ट थे। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिंगरप्रिंट हैंडराइटिंग एक्सपर्ट एंड अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट। हमने बीएससी किया, एमएससी किया, देन हमने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया और हम उनके पास आए, तो बोलते थे हमारे पास फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है पहले से। अब प्रॉब्लम क्या आती थी ना वहां पर कि वो सिर्फ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट थे और हम
फिंगरप्रिंट हैंडराइटिंग ऑडियो वीडियो डिजिटल हम सारी रिपोर्ट दे सकते थे, हमारे पास एक पूरी टीम थी, लेकिन हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे कि उनका फायदा कैसे होगा हमसे। तो फिर वही बात है, जब हम उनको, फिर हमने एक ट्रिक अपनाई, हमने उनको उनकी प्रॉब्लम्स बताना शुरू किया और फिर हम ही ने उनको उनका सॉल्यूशन देना शुरू किया। यही है बिजनेस, आपको पता नहीं है कि वो प्रॉब्लम है लेकिन आपको आपकी प्रॉब्लम बताई जाएगी और फिर उसके लिए प्रॉब्लम बताने का भी आपसे पैसा लिया जाएगा, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दिया जाएगा उसका भी पैसा लिया जाएगा। ये है बिजनेस, आपको सामने पहले प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ एप्स ऑफ म्यूजिक, लाइक गाना ऐप है, जियो सावन है, वो आपको म्यूजिक सुनाएंगे, बीच में ऐड देंगे, फिर वो आपसे बोलेंगे कि ऐड हटाना है तो आपको 200 रुपए मंथली दीजिए। पहले प्रॉब्लम दो, देन उसका सॉल्यूशन दे दो। मतलब प्रॉब्लम का सेंस ये नहीं कि आप किसी के साथ कुछ गलत करें, पहले आप उनको बताओ कि आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हो। आप, आपको कोई भी अगर कोई लाइक काम दे तो क्यों दे, आपके पास ऐसा खास क्या है, मार्केट में बहुत से लोग हैं, आप यूनिक क्या दे रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि जाके सर हम यूनिक ये दे सकते हैं। तो ये है एक स्टैंडर्ड लाइक छोटा सा एक आइडिया है कि हाँ आप कैसे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो एंटरप्रेन्योर। दूसरी बात, जॉब की अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो में बात किया तो सभी लोग इस बात से अच्छे से भली भांति जानते हैं इस बात को, जॉब की सिचुएशन इंडिया में इस समय क्या है, ड्यू टू ऑफ डिमोनेटाइजेशन, इन्फ्लेशन एंड कोविड, कई लोगों ने अपनी जॉब्स खोई और जॉब्स उतनी है भी नहीं। हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं जॉब करें या बिजनेस करें, जॉब करें या बिजनेस करें। पहले तो आपको कंफ्यूजन क्लियर करना है कि भाई आप करते क्या है, माइंडसेट क्या है आपका, आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पोस्ट या फेसबुक पोस्ट देके मोटिवेशनल लेके बिजनेस करना चाहते हैं तो मत कीजिए, वो आपको अंदर से फील आ जाएगा कि हम बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और अगर आप जॉब करना चाहते हैं डेफिनेटली गो फॉर अ जॉब, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, स्ट्रेस झेल सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में बहुत स्ट्रेस होता है। अगर आपका बिजनेस 2-3 साल सक्सेस नहीं होता है ना, तो आपके घर वाले आपको ऐसी नजर से देखने लगते हैं जैसे आपने पता नहीं क्या गलत कर दिया, और सोसाइटी का तो पूछो ही मत, एक ही क्वेश्चन होता है और क्या चल रहा है आजकल, क्या कर रहे हो। सबकी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं हमसे, प्रॉब्लम ये है, और हम सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं कर सकते। और एक पॉइंट और, आपको बनना पड़ेगा बेशर्म इन द सेंस, अगर आप किसी को अपना आइडिया बताने जा रहे हैं तो उसको आइडिया बताइए, ये मत सोचिए कि यार हम उसको बताएंगे तो क्या सोचेगा। ऑब्वियसली बात है, आपको अप्रोच करना पड़ेगा ना बिजनेस के लिए, आप दुकान अपना बिजनेस खोल के बैठ जाए, दुकान खोल के बैठ जाए, जब तक किसी को पता ही नहीं है कि ये पर्सन ये प्रोवाइड कर सकता है, वो आपके पास आएगा, तो आपको पर्सन टू पर्सन जाके खुद जाना पड़ेगा, और वही बेस्ट पब्लिसिटी होती है, पर्सन टू पर्सन पब्लिसिटी। आपने किसी एक का एक अच्छा सा काम कर दिया, वो खुद जाके चार लोगों को बताएगा, उन चार में से एक आपके पास आ जाएगा। तो आपको किसी एक का काम करना है, अच्छा करना है, बट उसके लिए आपको 100 लोगों से मिलना पड़ेगा। जब आप अपना बिजनेस आइडिया लेके 100 लोगों के पास या 1000 लोगों के पास जाओगे, तब जाके उनमें से 10-15-20 इतने लोग आपको सुनेंगे, समझेंगे, हो सकता है उनमें से 2 काम दे दें, आप एक भी काम ना दें, फिर से आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो बेशर्म बनना पड़ेगा, आपको पर्सन टू पर्सन जाके उनसे मिलना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ कर पाओगे। और एक बात और, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले आइडियाज और मोटिवेशन में मत पड़ना, 6 महीने में ऑडी और 1 साल में बंगला नहीं होने वाला है, ठीक है, तो इस चीजों में मत पड़ना कभी भी। मेरा एक पर्सनल सजेशन है, घर के पैसे बर्बाद मत करना इन चीजों में, उसका कुछ बेटर यूज कर लेना, ठीक है। अब लोग लाइक ये बात तो हो गई यहाँ तक कि भाई बिजनेस करना कैसे है, कैसा क्या करना है। सबसे पहले तो आपको अपना बिजनेस आइडिया बनाना है। बिजनेस आइडिया कैसा होता है, बिजनेस आइडिया का सीधी सी बात है, बिजनेस आइडिया जो बिजनेस मॉडल है आपको बहुत सिंपल होना चाहिए, सिंपलेस्ट, सीधी सी बात है। आप हमारे पास आइए या किसी पर्सन के पास आइए, सर ये प्रॉब्लम है, हम आपको ऐसा सॉल्यूशन देंगे, ये तरीका है, बस सिंगल पेज में एक्सप्लेन कीजिए। अगर एक सिंगल पेज से ज्यादा लग रहा है तो आइडिया बेकार है, क्योंकि अगर आज के टाइम में कोई भी कस्टमर है उसके पास टाइम नहीं है बट पैसा है। हम शॉप पर नहीं जाना चाहते हैं, लाइक हम जोमेटो खोलते हैं या स्विगी खोलते हैं, अगर हमें 10 रुपए महंगी भी चीज मिल रही है ना शॉप में जाते हैं, उसको ऑर्डर कर देते हैं। हमारे पास टाइम और पैसा, टाइम नहीं है पैसा है, हम किसी को टाइम नहीं दे पाते। अगर आप किसी को बिजनेस आइडिया बता रहे कि सर हम आपको ये देंगे, उसमें आपको टाइम लग रहा है 15 मिनट से 20 मिनट, तो आइडिया बेकार है, क्योंकि वो नहीं सुनेगा पर्सन, आप ही नहीं सुनेंगे। आपको सिर्फ इतना जानना है कि चीज क्या है, क्या इससे फायदा है, और आपको वही समझाना है आपको, और अपने आइडिया को आपको सिंपलेस्ट तरीके से समझाना है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं, कुछ भी नहीं। मल्टी लेवल मार्केटिंग वालों को देखा है ना, वो आपको चाय की दुकान में पूरा बिजनेस प्लान समझा देगा और आपको घर जाते जाते आपको ऑडी के सपने आने लगेंगे।
वो आपको उसी चाय की दुकान में, जब तक आपकी चाय खत्म होगी, आपको 15 महीने के जो 1 लाख का चेक आने वाला है वो आपको दिखा देगा आपके नाम का चेक, ख्यालों में आपके। और शाम को जब तक आप घर जाएंगे आपको फीलिंग आने लगेगी कि नहीं, आई एम अ रिच पर्सन। उनसे कुछ सीखना भी है हमें, हमें उनसे यही सीखना है कि अपने आइडिया को पिच कैसे करना है, किसी को अपने आइडिया को बताना कैसे। उसके बैग बैग में हमेशा एक पेपर पेन होता है, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला पर्सन होता है, एक नोट पैड या पेपर या डायरी पेन होगा। वो आपका नाम पूछे, वो आपको बोलेगा आपको 3% बनाना है, 3% से 10% देन 3% से 10%, फाइनली आपके इतने पर्सन हो गए, आपको 100% मिलने लगा और आपके 1 साल बाद आपके इतने पर्सन जुड़ गए। जिन लोगों ने की होगी वो जानते हैं कि भाई साहब, 3 तो हम दोस्तों को जोड़ लेते हैं ना, उन 3 के बाद 4th पर्सन मिलता नहीं है। तो ये सब चीजें फालतू की हैं। हमारा जो मेन फोकस होने वाला है वो होने वाला है कि भाई हम क्या करना चाहते हैं। लाइक एंटरप्रेन्योर तो हम बनना चाहते हैं, सोशल मीडिया ने हमें बहुत इंस्पायर किया है, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सबने ब्लॉग्स देखते हैं हम एंटरप्रेन्योर्स के, हमें बनना है, बट हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा लगाना क्यों है, छोटे से स्टार्ट करो ना, एक दिन में करोड़पति क्यों बनना है। पहले मंथ 5,000 कमाओ, देन हो सकता है नेक्स्ट मंथ 10 कमा लो, एंड ऑफ द ईयर हो सकता है 1 लाख कमाने लगो, बट 5,000 कमाने की तो हिम्मत रखो पहले। सीधे सोचो कि पापा से 10 लाख रुपए लेके बिजनेस खड़ा करते हो, पहले महीने से लाखों कमाने लगे तो यार नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हम जब कोई आइडिया लेके आते हैं ना, सबसे पहले हम एकदम हाई स्केल पे सोचने लगते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये है, हम तुरंत एक बहुत बड़े स्केल पे सोचने लगते हैं कि यार हम ऐसा करेंगे, ऐसे यहाँ यहाँ हमारे ऑर्डर्स जाएंगे और हम इतना पैसा आएगा और ऐसे मैनेज करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि हम कोई आइडिया पिच करते हैं तो दिमाग में आता है ना, तो सबसे पहले हम एकदम करोड़पति बन जाते हैं ख्यालों में। अगर ऐसा है तो बिजनेस मत करो, सब लॉस में चला जाएगा। पहले बहुत लो से स्टार्ट करना पड़ता है हमें। आप कोई भी बिजनेसमैन देख लीजिए, पहले दिन से वो करोड़पति नहीं बना है। फेसबुक पहले नहीं चलता था, ऑर्कुट चलता था। फेसबुक के आने के बाद भी 2-3 साल उतना नहीं चला जितना ऑर्कुट चलता था। कोका कोला कंपनी की 1 साल में सिर्फ 3 बॉटल बिकी थी कोल्ड ड्रिंक की, पूरे 1 साल में 3 बॉटल। 11वें महीने अगर कोका कोला बोलता कि यार 2 बोतलें बिकी हैं, बंद करो, नुकसान में जा रहे हैं, तो क्या काम होता? नहीं होता। उन्होंने कुछ नया अप्रोच लाया, नया आइडियाज लाए। रॉयल एनफील्ड बुलेट जो बाइक आती है, सबने सुना होगा, सबने देखी होगी, कई लोगों के पास होगी, कईयों ने चलाई होगी। ऑलमोस्ट डेड थी कंपनी, उसका ओनर एक नया आइडिया लेके आया बुलेट से, वो ट्रिप की उन्होंने लद्दाख की, उसको उन्होंने एडवर्टाइज किया और लोगों में क्रेज आ गया लद्दाख जाना है बुलेट से। और वही क्रेज आज बुलेट कंपनी को आप देख लीजिए, 2.5 लाख की आ रही है एक बाइक, जिसको कोई लेता नहीं था, जिनके पास थी उन्होंने गैराज में पटक दी थी, और आज लोग ढूंढ रहे हैं कहीं ऐसे हमको एक सेकेंड हैंड पुरानी बुलेट मिल जाता, हम उसको मॉडिफाई करवाएंगे। सो आपको जो आइडियाज है ना, आपको लेके आने हैं यूनिक आइडियाज, और उनके हमेशा आइडियाज होने चाहिए इजी होने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होने चाहिए। सिंपल सी बात है, एक छोटा सा ब्रांड है ओयो या ओला ले लीजिए। ओयो ने देखा कि भाई लोगों को सस्ते होटल्स नहीं मिलते हैं, साफ नहीं होते सस्ते होटल, उन्होंने बोला कि ठीक है। वो गए जो एक होटल के पास, शॉप वाले से बोले कि आप हमें अपना 2 रूम दे दीजिए, हम उनमें जो करना होगा साफ सफाई करेंगे, प्रॉफिट आधा आधा बांटेंगे, लॉस हुआ तो लॉस पूरा हमारा। उन्होंने एक बजट लिया कि 5,000 रुपये रूम में बढ़िया बेडशीट लगाई, पेंट वेंट किया, साफ सुथरा रूम किया, सैनिटाइज किया, और उन्होंने दिया। देखा कि स्टार्टिंग में 2 लोग आए, फिर और लोग आए, और लोग आए, तो चल गया। तो आइडिया हमेशा यूनिक होना चाहिए। आप जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उनमें भी आइडिया ढूंढ सकते हैं, आप कोई भी एक रैंडम आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज आती है, बिजनेस कभी भी आपका पर्सन डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अब पर्सन डिपेंडेंट क्या होता है, जैसे बिजनेस ऐसा होता है, एक बिजनेस होता है, एक शॉप है किसी पर्सन की, ठीक है। अब शॉप के साथ प्रॉब्लम ये कि वो अगर वो पर्सन नहीं है तो वो शॉप बंद रहेगी, शॉप चलेगी नहीं। इस तरह का आइडिया नहीं होना चाहिए, कोशिश कीजिए। आइडिया जो है प्रोसेस डिपेंडेंट होना चाहिए, कि वो पर्सन नहीं भी है तो प्रोसेस में चीजें चल सकती है। अब वो प्रोसेस में कैसे आएगी, आपको कैलकुलेट करना है कि आपको डिजिटली उसको मैनेज करना है, कि आपको अपने एम्प्लॉयज के थ्रू मैनेज करना है उसको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई प्रोसेस डिपेंडेंट बिजनेस ज्यादा बेटर है एज कंपेरिजन टू एज पर्सन डिपेंडेंट। पर्सन डिपेंडेंट होगा, आप है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, चलो ठीक ठाक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम आ गई, आपको 1 वीक के लिए बाहर जाना पड़ा, उस 1 वीक में आप बहुत सारे क्लाइंट खो सकते हैं, आप अपना लॉस भी काफी ज्यादा ले सकते हैं। तो बिजनेस हमेशा ऐसा हो, जो कोशिश कीजिए कि प्रोसेस डिपेंडेंट हो।
स्टार्टिंग में हो सकता है पर्सन डिपेंडेंट हो, आप स्टार्ट करें पर्सन डिपेंडेंट से, बट धीरे धीरे आपको उसको इस तरह लेके आना है कि अगर किसी इशू की वजह से आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो 15 दिन महीने पर आराम से चल सके बिजनेस। कोशिश कीजिए ऐसी ही हो। नाउ अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो नाउ कम टू द क्वेश्चन सेशन। अब मैं आपके क्वेश्चन दूंगा सारे, तो आप लोग एक एक करके अपने क्वेश्चन बताएं और कोशिश करें चैट में लिखें ताकि ज्यादा आवाजें क्रिएट ना हो, ना हल्ला बहुत होने लगता है। एक एक करके चलिए सभी लोग अपने क्वेश्चन दे सकते हैं चैट में। कमन पुट ऑन योर क्वेश्चन। Still, if anybody have any question, you can drop a message. We have few seconds left. And if till then, if nobody have any question, we have to wrap up the session. Yes. Okay. So for the vote of thanks, first of all, I would wish good morning to one and all present here. First of all, I would like to thank Almighty God for this successful session. And I would like to thank, express gratitude to our webinar speaker, Mr. Aman Kumar Singh, Director of Forensic Analyst and Consultant Team, Jhansi, for sharing his genuine motivational story on ideas behind a successful entrepreneurship mind and an innovative approach. I would like to thank our guest, Dr. Gitanshu Devar, Professor of TMD CRC, convener of the Institution's Innovative Council of TMU, for sharing her valuable time in this webinar. I would like to thank our Vice Principal, Professor Dr. Navneet Kumar, for his immense support for conducting this webinar. I would like to thank Dr. Ruchikant for her thorough support and guidance for organizing this webinar. Last but not the least, I would like to thank each and every faculty, student, and participants for attending this webinar. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, sir.